हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स में। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती लेके आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आप दबा दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। नेवल शिप रिपेयर यार्ड भर्ती 2019 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यहाँ पे 145 पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जो कि आईटीआई अप्रेंटिस पोस्ट के लिए है। ऑल ओवर इंडिया बेस्ड ये जॉब रहेगा और इसमें कोई आवेदन फीस नहीं है। अगर आपने आईटीआई किया है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और जो इसका आवेदन का लास्ट डेट है वो 1 दिसंबर 2019 का है, मतलब 1 दिसंबर 2019 से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम है। इस वीडियो में मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए, जिसमें कि आपको मैं सारे डिटेल प्रोवाइड करूंगा, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो आइए चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, नेवल शिप रिपेयर यार्ड अप्रेंटिस 2019 का ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 145 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है और आपको जो आपका जो एप्लीकेशन मोड होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, जो कि आपको apprenticeship.gov.in पे जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। तो ये जो वैकेंसी निकली है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट 1 दिसंबर 2019 का है। तो अगर मैं फिर से बात करूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2019 का। और जो ये वैकेंसी है नेवल शिप रिपेयर यार्ड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी डिटेल, तो इसकी जॉब समरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं वो 145 पोस्ट हैं। और जॉब समरी की मैं बात करूँ तो नोटिफिकेशन का नाम है नेवल शिप रिपेयर यार्ड अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन 2019, टोटल वैकेंसी 145। नोटिफिकेशन डेट है 23 अक्टूबर 2019 की और लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2019 की। अगर आप इसका ऑफिशियल यूआरएल देखें, जो इसका नोटिफिकेशन यूआरएल है, तो ये आपको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये इसका नोटिफिकेशन यूआरएल है। जो ये सिटी है ये करावर है, कर्नाटका इंडिया के लिए। इसमें आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, अगर आपके पास डिप्लोमा है, आईटीआई डिप्लोमा या कोई अदर क्वालिफिकेशन और आपने 12th पास किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो वर्क एरिया होगा एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे वर्क एरिया है इसमें। और इसमें जो ट्रेड्स हैं, जैसे आप अलग अलग आईटीआई से ट्रेड्स से आईटीआई करते हैं, तो इसमें अलग अलग ट्रेड्स के लिए ये वैकेंसी निकली है। तो आप अगर सिपराइट वुड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने आईटीआई किया है, तो 6 पोस्ट हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पे 15 पोस्ट हैं, फिटर के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस के यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, मैकेनिस्ट के यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, मरीन इंजन फिटर के यहाँ पे 6 पोस्ट हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियन के 3 पोस्ट हैं, मैकेनिक डीजल के यहाँ पे 11 पोस्ट हैं, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स के यहाँ पे 12 पोस्ट हैं, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एसी के यहाँ पे 10 पोस्ट हैं, और पेंटर के जो जनरल है इसके 4 पोस्ट हैं, पाइप फिटर के 10 पोस्ट हैं और टेलर के यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। तो ये और यहाँ पे टर्नर के 3 पोस्ट हैं, सीट मेटल वर्कर जो होता है उसके 6 पोस्ट हैं, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के यहाँ पे 12 पोस्ट हैं, राइजर के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट हैं और सिप राइट स्टील के यहाँ पे 10 पोस्ट हैं। तो बेसिकली अगर इनमें से किसी भी ट्रेड से आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बात की जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए, आप कम से कम यहाँ पे 10th या 12th पास होने चाहिए, जो 50% मार्क्स होते हैं, जो आपकी आईटीआई करने के लिए भी ज़रूरी होता है। साथ में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि किसी भी जो हमने ऊपर वैकेंसी दी उससे रिलेवेंट किसी भी ट्रेड से। और बात करूँ मैं, जो यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, जो स्टिपेंड मिलेगा यहाँ पे 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और एप्लीकेशन लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं क्लिक करके, जिससे कि आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे
और बेल आइकन दबाना आप ना भूलें, जिससे कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की सिंगल नोटिफिकेशन भी मिस ना कर सकें।